हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रीति वारी है। प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, जो सिर्फ हेयर बालों में गांठ लगा के बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल आइडिया है, जो कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने क्राउन एरिया से थोड़ा सा हेयर लिया है और सिंपली इसको लेके ऐसे इसमें गांठ लगाई है। ओके, फिर से इन दोनों लेयर्स को एक साथ मिला लेंगे। फिर एक जैसे हम लोग फ्रेंच हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसी तरीके से दूसरा लेयर उठाएंगे और जो हमने पहले गांठ लगाई थी, नॉट लगाई थी, उसको इस तरीके से दोबारा से नॉट लगाएंगे दोनों लेयर्स को, और ये जो दोबारा हमने लेयर उठाया उसको मिला के बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल बनने वाला। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई हेयर स्टाइल के आइडियाज़ और हैक्स और बहुत सारी चीज़ें हेयर स्टाइल से रिलेटेड मेरे चैनल पर मिलेंगी, जो आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, जिस पे मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ, सिलाई की बारीकियाँ और डिजाइनर ड्रेस, तो आप जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से गांठ लगाते हुए पूरा हेयर स्टाइल बनाना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जब आपको जितना भी बनाना हो उतना बनाने के बाद से बाकी बचे लेयर्स में भी इस तरीके से नॉट लगाते जाइए और इसको क्लिप की मदद से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे हम पहले क्लिप से इसको सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं टिकटक क्लिप से इसको सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद से सेकंड लेयर लेंगे दोबारा से, और सेम तरीके से आपको बनाते जाना है जैसे मैंने अभी बनाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे भी सेम आपने थोड़ा सा सेक्शन उठाया हेयर का, उसके बाद से बालों में नॉट लगा देनी है। इसी तरीके से लेयर्स ले लेके नॉट लगाते जानी है, फ्रेंच हेयर स्टाइल की तरह। तो यहाँ पे मैं नॉट लगा देती हूँ और यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है। फिर हम लोग सेकेंड वाला लेयर भी इसी तरीके से नॉट लगाते हुए बनाएंगे और इसको भी उसी वाले क्लिप के पास ले जाके सेट कर लेंगे। फिर से थर्ड लेयर लेंगे और थर्ड लेयर में भी इसी तरीके से आपको नॉट लगानी है और लेयर बना लेना है। ओके, मेरी इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24, वहाँ पे आपको हेयर स्टाइल से रिलेटेड और रील्स वीडियोज मिल जाएंगी। ओके, तो सेकेंड साइड किस तरीके से बनाना है, जिस साइड हमारे बाल कम होते हैं उधर बनाने के लिए आपको इसी तरीके से थोड़ा छोटा छोटा सेक्शन लेना है बालों का। सिर्फ एक ही लाइन बनानी है और थोड़ा सा सेक्शन लेके उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसमें भी नॉट्स लगाएंगे। इस तरीके से मैंने बालों का थोड़ा सा सेक्शन ले लिया है। मेरे हेयर यहाँ पे थोड़े कम है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। अगर आपके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो आप थोड़ा सा कम भी लोगे तो चलेगा, और भी प्यारा दिखेगा हेयर स्टाइल। फिर मैंने फ्रंट में जो लेयर्स छोड़े हैं, अगर आपका फेस बहुत छोटा है या फिर माथा बहुत छोटा है, तो आप वो लेयर्स मत छोड़िएगा, एक लेयर और बना लीजिएगा। ये जो हमने गांठ लगा के बालों का जो स्टाइल बनाया है उस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने बना लिया। इसको क्राउन एरिया तक इसी तरीके से बनाते हुए लेके जाएंगे। ओके, एक ही लाइन पर लेके जानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया है, दो तीन गांठ और लगाएंगे और बैक तक इसको लेके जाएंगे। ओके, जिसको हेयर स्टाइल नहीं आती है वो भी बहुत सुंदर सा ये हेयर स्टाइल बना लेगा, बहुत ही इजी है। अब इसको बैक में ले जाके यहाँ पे क्लिप की मदद से सेट कर देंगे। अभी सारे बालों को एक साइड लेके जाएंगे लॉन्ग फेस पे। अगर लॉन्ग फेस पे बना रहे हो तो आप चाहो तो ये बन आप सेंटर में भी बना सकते हो या हाई भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं इधर साइड में बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्ग फेस के लिए हेयर स्टाइल बता रही हूँ। ओके, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश है, बहुत टाइम से हो रहा है, तो मैं एडिटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। अब मैंने यहाँ पे बालों को कॉम कर लिया है। जो लेयर्स मुझे निकालने हैं उतने हेयर मैंने छोड़ के यहाँ पे एक रबड़ बैंड से बालों को सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रबड़ बैंड से सिक्योर कर ले रही हूँ। उसके बाद से बालों का छोटा छोटा सेक्शन जैसे रबड़ से थोड़ी दूरी पर छोड़ के, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा हेयर स्टाइल, और चाहो तो बिना रबड़ के भी छोड़ सकते हो अगर ओपन हेयर स्टाइल रखना है तो। और इसके बाद थोड़ा सा हेयर सेक्शन का
जहाँ पे हमने रबड़ लगाई है वहाँ से थोड़ा सा हेयर छोड़ के एक रबड़ और लगाएंगे पतला वाला। आप चाहो तो ऊपर में भी पतला ही रबड़ लगाइएगा, उससे और भी प्यारा लगेगा हेयर स्टाइल। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है हेयर को, अभी फिर से एक रबड़ और लेंगे और थोड़ा सा सेक्शन छोड़ के एक रबड़ और लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद से बालों में इस तरीके से हॉल करेंगे और इस तरीके से लेयर को जितने भी हेयर आपके उसके अंदर से इंसर्ट करते हुए इस तरीके से बना लेंगे। और जो हमने लेयर्स खींची है उसको थोड़ा थोड़ा खींच के इसको मैसी सा लुक दे देना है। ओके, पूरा जितना आप खींच सकते हो उतना खींच के इसको मैसी सा लुक दे देना है बालों को। फिर जो हमने सेकंड बार रबड़ लगाया था वहाँ से भी इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करना है और बालों को ट्विस्ट कर देना है, मतलब खींच अंदर से निकाल लेना है। उसके बाद से यहाँ पे भी हेयर को खींचेंगे, अच्छे से खींच लेंगे। ओके, उसके बाद से हमको इसको सिंपली अच्छे से खींचने के बाद से इसको खींचने के बाद से इस तरीके से राउंड राउंड लपेटेंगे और यू पिन की मदद से इसको सेट करते जाएंगे। आप इसको पार्टी में शादी में भी बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा ये बन। और छोटे बालों में भी, छोटे पतले बालों में भी ये हेयर स्टाइल बन जाएगा इजीली। तो और रबड़ जहाँ भी दिख रहा हो उसको आप हाइड कर लीजिएगा यू पिन की मदद से। तो यहाँ पे मेरा ये वाइट वाला रबड़ दिख रहा है, इसको मैं इस तरीके से बालों का छोटा सा सेक्शन लेके और ऐसे खींच के और यहाँ से इसको यू पिन लगा दूँगी ताकि हमारा रबड़ जो है वो दिखे ना। आप अच्छे से हाइड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दो चार यू पिन लगा रही हूँ, मुझे अपने फेस पे इस तरीके से लेयर रहता है तो अच्छा दिखता है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको लेयर नहीं रखना है तो आप इसी तरीके से नोट लगाते हुए एक और लेयर बना दीजिएगा। और ये लगभग हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। और ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल आइडियाज़ और अलग अलग फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल देखने के लिए हर टाइप की हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।